So guys, can we continue with question number 14? We completed 13, the last. Now the 14. Question number 14. Can I start? From the following details provided by T-Trax Computers Limited, estimate the working capital requirement for the year ended 31st March 2014. Balance sheet as on 1st April 2013. Debtors. Okay. 31st March 2014 का हमें working capital calculate करना है और उन्होंने informations दिया है 1st April 2013 का. Debtors, creditors, cash and stock. Effectively can I say सारे opening balances दिए हुए हमें. Then they are saying sales for the year with a uniform gross profit of 30% on sales, purchase for the year, payment to the creditor, receipts from the debtor, estimated overheads on annual basis 1/5 to remain outstanding, estimated amount to be kept for special millennium dividend in addition to the cash balance, no amount for the contingencies to be kept. Full stop. Check out the question. एकदम ऑफ ट्रैक है. इन द सेंस कोई मंथ्स कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है. स्टॉक इतने महीने के लिए रखो, डेटर्स इतने महीने के लिए रखो. दे आर टेलिंग यू टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल एज ऑन 31st मार्च 2014 एंड दे हैव गिवन यू इन्फॉर्मेशन ऑन 1st of April 2013. कैन आई से ओपनिंग बैलेंसेस दिया हुआ है एंड वी नीड टू कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंसेस. करेक्ट. नाउ टू कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंसेस थोड़ा बहुत अकाउंट्स का इम्प्लीकेशन लाएंगे. अकाउंट्स बनाएंगे हम सारे और अकाउंट से हम सारे क्लोजिंग बैलेंसेस ढूंढेंगे. सो द अकाउंट्स दैट आई नीड इज फर्स्ट वन डेटर्स अकाउंट. कौन से अकाउंट्स की जरूरत है हमें? डेटर्स. नेक्स्ट वन क्रेडिटर्स. नेक्स्ट वन कैश. स्टॉक अकाउंट नहीं होता है. स्टॉक कहाँ से मिलेगा हमें? ट्रेडिंग अकाउंट. सो वी विल प्रिपेयर वन मोर अकाउंट दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट. सो दिस इज माय ट्रेडिंग अकाउंट, दिस इज माय डेटर्स, दिस इज माय क्रेडिटर्स, दिस इज माय कैश और यहाँ पे जर्नल एंट्रीज जो उन्होंने इफेक्ट्स दिया होगा वो. करेक्ट. चलिए फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. नाउ हाउ मच द बैलेंस ऑफ डेटर्स दे हैव गिवन टू यू? आई कैन सी द डेटर्स बैलेंस एट हाउ मच? 70,000. डेटर्स विल हैव ओपनिंग डेबिट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 70. करेक्ट. सेकेंड डेटर्स के बाद क्रेडिटर्स दैट इज 56. क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 56. सो वी हैव डेटर्स, वी हैव क्रेडिटर्स. कैश इज 12,000. सो कैश टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000. करेक्ट. एंड नेक्स्ट वन स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 25,000 टू ओपनिंग स्टॉक. 25,000. क्लियर? टू गुड. नाउ द ट्रांजैक्शंस. फर्स्ट वन सेल्स ड्यूरिंग द ईयर विद अ यूनिफॉर्म प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन सेल. सॉरी, सेल्स फॉर द ईयर विद अ यूनिफॉर्म प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन सेल इज 267. नाउ सेल्स ना डायरेक्टली यहाँ वहाँ ऐसे मत सोचना, टिपिकल अकाउंटिंग सोचना. बिकॉज अगर अकाउंट्स बनाए तो ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस ढूंढने के लिए एकदम टिपिकल अकाउंटिंग सोचना. सो आई विल पास अ जर्नल एंट्री फॉर दैट. सेल्स 267. जर्नल एंट्री फॉर सेल्स डेफिनेटली अज्यूम टू बी ऑन क्रेडिट. वन डेटर्स टू सेल्स एंड द अमाउंट दे हैव गिवन टू यू इज 267. सो डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड पे, डेटर्स के डेबिट साइड पे टू सेल्स 267. सेल्स में मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स 267.
इफ आई एम नॉट रॉन्ग दे हैव ऑलरेडी टोल्ड मी द जीपी इज 30% ऑन सेल, तो 267 का 30% क्या होगा अपना जीपी, सो 267 इंटू 30% 80,100 इज योर जीपी, सो टू ग्रॉस प्रॉफिट 80,100, क्लियर, टू गुड. नेक्स्ट वन, परचेज फॉर द ईयर 1,57,000, एंट्री फॉर परचेज 2, परचेज 2, क्रेडिटर 1,57,000, the accounting field to the question, purchase to creditor, purchase कहाँ पे, trading 2, purchase 157, to creditor, creditor में by purchase 157, are we clear with that one? Next, payment to creditor during the year, amount is 1,65,000, payment to creditor during the year. Third one, creditor to cash and bank, and the amount for payment to creditor during the year is 1,65,000. Creditor to cash and bank 1,65,000. Creditor to cash and bank. Creditor to cash and bank 1,65,000. Cash and bank mein by creditor 1,65,000. Are we clear? Next, receipt from debtors during the year 2,65,000. Receipt from debtors, paisa aa raha hai, journal entry, debtor to cash and bank, sorry main hi bol raha tha aapko paisa aa raha hai, so receipt from debtor is cash and bank to debtor, and how much of money are we receiving in the year? Receipts from debtor during the year 2,65,000. 2,65,000. Posting cash and bank to debtor. So cash and bank mein likhenge to debtor 265. Debtor mein by cash and bank 265. Simple. Next one. Estimated overheads on annual basis 1/5 to remain outstanding 25. Pure saal mein 25,000 ka expenses and 1/5 is to remain outstanding. Matlab 25 mein se 1/5 is 5 is to remain outstanding. So expenses are 25 but we will pay 20. Balance is outstanding. Have a look at the entry. Fifth one, expense account debit to cash and bank. Two outstanding expense account means total 20,000 का expense है, sorry 25,000 का expense है, उसमें से हमने 20 pay किया and 5,000 is outstanding. Are we clear? Expense P&L account में आएगा, to cash in bank, cash and bank में by expense 20. And let's not forget outstanding expenses, liability, working capital, current liability, outstanding expenses, back to the statement, outstanding expenses amount is 5,000. Concept samajh raha aapko? Too good. Next one, estimated amount to be kept for special millennium dividend in addition to the cash balance amount is 10,000. Now we need to give them special millennium dividend, 10,000 rupee apne haath rakhna. तो कैश बैलेंस जो भी आएगा प्लस 10,000 रखेंगे. एंड नेक्स्ट वन, नो अमाउंट फॉर कंटिंजेंसीज टू बी केप्ट, सो देयर आर एब्सोल्युटली नो सेफ्टी मार्जिन और नो कंटिंजेंसीज टू इट. दिस इज डन विद द क्वेश्चन. जितना छोटा सा क्वेश्चन था उतना ही सिंपल कॉन्सेप्ट था. कुछ नहीं करना था, अकाउंट्स बनाने, सारे क्लोजिंग बैलेंसेज ढूंढना. नाउ द क्लोजिंग बैलेंसेज, फर्स्ट वन 70 प्लस 267 माइनस 265, आई एम गेटिंग अ बैलेंस ऑफ 72 by balance carried down 72. This is debtors. Total कर देता हूँ मैं फिर भी complete करके 337. Debtors का closing is nothing but working capital current asset. Debtors 72
डेटस 72. कॉन्सेप्ट समझ रहे हो आपको? कौन से क्वेश्चन पे हम लोग 14? एवरी टाइम आई फॉरगेट टू राइट दैट क्वेश्चन नंबर. नेक्स्ट वन. ओके, क्रेडिटर्स. सो वी टेक द क्रेडिटर्स का अकाउंट का बैलेंसेस नाउ. 157 प्लस 56 टोटल इज 213 माइनस 165 बैलेंस इज 48 2 बैलेंस कैरीड डाउन दैट इज 48. सो क्रेडिटर्स 48, कैश इन बैंक 265 प्लस 12 277 277 माइनस 165 माइनस 20 आंसर कम्स टू 92 बाय बैलेंस कैरीड डाउन दैट्स 92 दैट्स अगेन कैश कैश बट कैश में इफ यू डोंट फॉरगेट 92 प्लस स्पेशल मिलेनियम डिविडेंड 10,000 इट कम्स टू 1,02,000 ऑफ कैश बैलेंस. डू यू अग्री विद दैट? टू गुड. प्रीपेड है नहीं हमारे पास, ट्रेडिंग अकाउंट बना है. इफ यू कैन सी ओपनिंग है, परचेज है, सेल्स है, जीपी भी है. आई गेस बैलेंसिंग फिगर में क्लोजिंग आएगा, यही तो चाहिए. बाय क्लोजिंग सो वी हैव गॉट 25,000 प्लस 157 प्लस 80,100 262,100 बट हमारा सेल्स 267 है. चेक कर रहा हूँ एक बार. 1,57,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक इज 25,000 प्लस 80,100 262 एंड 267. आई गेस थोड़ा कोई अमाउंट मिसिंग लग रहा है मुझे यहाँ पे. अमाउंट्स कौन सा चेंज करेंगे हम लोग? गाइस चेंज द अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक. दैट इज व्हाट वाज द मिस्टेक देयर. ओपनिंग स्टॉक 25 नहीं है, ओपनिंग स्टॉक 35 है. ओपनिंग स्टॉक 35, दैट्स व्हाट यू नीड टू चेंज. चलो मैं फिर से कैलकुलेशन करता हूँ. फर्स्ट नाउ 35 प्लस 157 प्लस 80,100 इज 272,100 minus 267 I'm getting an answer of 5,100 now. That's your closing stock. And इस क्वेश्चन में हमें पता नहीं है कि क्लोजिंग स्टॉक में क्या है. सो दैट 5,100 हम लोग डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख रहे हैं बिकॉज आई डोंट नो वॉट इज रॉ मटीरियल, वॉट इज वर्क इन प्रोग्रेस, वॉट इज फिनिश गुड्स. सिंपल टू गुड. 5,100 प्लस 72 प्लस 1,02,000 आंसर कम्स टू 1,79,100 48 प्लस 5 आंसर कम्स टू 53 1,79,100 माइनस 53 इज कम्स टू 1,26,100 1,26,100 इज योर वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट. कॉन्सेप्ट समझ रहा है? आई एम जस्ट ओपनिंग अप फ्यू वेरिएशंस यहाँ वहाँ पे, नए क्वेश्चन सिखा रहा हूँ मैं आपको. पक्का? चलिए ये कॉपी कर लीजिए और एक नेक्स्ट फॉर्मेट बना के रखेंगे ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले. टू गुड.
Are we done with 14? So I take on question number 15. That's a very brilliant question. Ekdam intelligent. Have a look at this question. Harita Limited furnishes you with the following details with request to calculate estimated working capital requirement for 2014. 2014 ka working capital calculate karna hai. Credit. 3 months to domestic customer and 2 months to overseas buyer. Matlab, yahan pe sense ye ja raha hai starting se, that we might have two types of customers. One is domestic and one is overseas. Second, time lag. 1 month with respect to all expenses except sales promotion expenses which are payable in advance on quarterly basis. Sare expenses outstanding hai for a month, but sales promotion is prepaid on quarterly. Projected figures for 2014. First one, domestic sales are 3,60,000. Export sales are 72,000. Wages are 84. Manufacturing expenses are 1,14,000. Administration expenses are 1,20,000. And sales promotion expenses are also 1,20,000. Next one, the question tells you inventory is to be maintained as follows. One raw material, 1 month for domestic and 2 months for export supplies. Finished goods, 1 month for domestic and 3 months for export supplies. But if you observe it well, raw material in the question mein. Domestic sale 3,60,000, export sale 72,000. Then they have given you wages, manufacturing expenses, administration and sales promotion. Where is the material? Information number 5. Gross profit is to be maintained at 25% on the sales, while overseas buyer are allowed a special 10% discount. Special packing credit limits are available at 90% of the export stock of material and debtors. An additional cash balance is to be maintained as safety margin, which is equivalent to 10% of the working capital. So we need a safety margin that is 10%. But how do we start working on this? Raw material kaise dhunde hum log? That's the main question, guys. Tell me. Now that's where that picture comes into the picture. Apna point number 5. The gross profit is to be maintained at 25% on sale, whereas overseas buyer are allowed a special discount of 10%. That means, question number kaun sa apna? 15. To question number 15 is time pehle se likh deta. Working notes. GP 25% hai, matlab, or I guess hum log export customers ko 10% special discount देते हैं. तो first one, domestic sales is equal to, or I would rather say, cost plus profit is equal to sales. GP, cost is basically nothing but the cost of goods sold. Now they said profit is 25%, so sales 100, profit 25%, so can I say cost is 75%? Kiske liye ye hua? Domestic. Have they given you sales of the domestic, guys? And I can see sales of the domestic to be 3,60,000. So sales agar 3,60,000 hai, uska 25% GP banta. 3,60,000 का 25% 90. So how much is the cost? 3,60,000 minus the 90. Is it 2,70,000? 2,70,000 क्या मिला हम लोग को cost? किसका? Domestic का. Cost क्यों ढूंढ रहे? Because this is basically COGS. And COGS includes the material, the wages and the manufacturing overheads. Do you remember that? So, hume question mein wages or manufacturing expenses diya hua hai. Hum cost mein se wages or manufacturing expenses nikal denge, toh kya milega? Material. Par, ye domestic ka mila hai. The next important part is exports. They said exporters ko hum log 10% discount dete. Cost
प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। एक्सपोर्टर्स को हम लोग 10% डिस्काउंट देते हैं। 10% डिस्काउंट देने का मतलब है कि यहाँ का सेल्स अगर 100 है तो यहाँ पे 10% डिस्काउंट, कैन आई से माई सेल्स विल बी 90। कॉन्सेप्ट समझ रहा? अगर हम लोग डोमेस्टिक में प्रोडक्ट 100 रुपी में बेच रहे हैं, एक्सपोर्टर को 10% स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट देगा तो भाई अपना सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा वहां पे? 90। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस कि प्रॉफिट आपका 25% नहीं रहेगा। अभी हम लोग वहां के कस्टमर को स्पेशल 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, पर प्रोडक्ट तो वही बेच रहे हैं ना। और अगर प्रोडक्ट आप वही बेच रहे हो तो बॉस द कॉस्ट वुड बी 75 ओनली। एकदम दिमाग लगाओ, आराम से मैं बोल रहा हूं। फर्स्ट वन, एक पेन 100 रुपए का बेचता हूं, उसका प्रॉफिट 25 रुपए है, पेन 75 रुपए में बच रहा है, मतलब 75 में बन रहा है। Are you understanding that? Now, if I'm going to the export customer, telling him, "Le bhai, 10% discount le le," that means I'm selling at how much? 90. But I'm still selling the pen, and the cost of manufacturing that pen is still 75. So this time, the pen is manufactured at 75. It is sold at 90. Manufactured at 75, sold at 90. So that means my profit will be 15. Do you agree with that one? Now, what is the sales they have given to you? एक्सपोर्ट सेल 72,000, प्रॉफिट कम हो गया आपका यहां पे। ये याद रखना, पहले 25 रुपए का प्रॉफिट होता था, 15 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। सिंपल है ना, 10 रुपए डिस्काउंट दिया हम लोग ने। ओके, सेल्स 90, तो हाउ मच विल बी द प्रॉफिट एंड हाउ मच विल बी द कॉस्ट? चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 72,000 मल्टीप्लाइड बाई 15 इंटू 90, सॉरी डिवाइड बाई 90, 72,000 मल्टीप्लाइड बाई 50 डिवाइडेड बाई 90, आंसर कम्स टू 12,000। तो कॉस्ट कितना हुआ? 60 माइनस 12, आई गेस 72 माइनस 12, द कॉस्ट विल बी हाउ मच? 60,000। डू यू अग्री विद दैट वन? ओके, नाउ टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 270 प्लस 60, 2,70,000 प्लस 60,000, 2,70,000 प्लस 60,000 कम्स टू वॉट? 3,30,000। एंड गाइस, दिस टोटल कॉस्ट इज नथिंग बट COGS, जीपी बोला था, जीपी। सो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिला, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर क्या होता है? रॉ मटेरियल, लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। रॉ मटेरियल, लेबर and manufacturing overheads, and in तीनों का total is 3,30,000। How much is the labor they have given to you in the question? Wages 84, manufacturing overheads they have given you 1,14,000। चलिए आप calculation कीजिए मेरे साथ अभी, 3,30,000 minus 1,14,000 माइनस 84,000, 1,32,000 क्या मिला? 1,32,000 आपको रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल आपको टोटल मिला 1,32,000। करेक्ट है? कॉन्सेप्ट समझा कैसे निकाला हम लोगों ने? पक्का कॉन्सेप्ट समझा आपको? ये हम लोग ने पहले जीपी रेशियोस के काम किया, कॉस्ट कैलकुलेट किया, कॉस्ट वर्कआउट करके क्या कैलकुलेट किया? रॉ मटेरियल। अच्छा, बट अभी भी इफ यू रीड द क्वेश्चन, व्हाट दे सेड, रॉ मटेरियल 1 month फॉर डोमेस्टिक एंड 2 month फॉर एक्सपोर्ट सप्लाई। मतलब रॉ मटेरियल 1 month फॉर डोमेस्टिक, 2 month फॉर एक्सपोर्ट। अभी इसके अंदर तो टोटल रॉ मटेरियल मिला, अभी इसमें भी हमें डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट निकालना, प्लस फिनिश गुड्स 1 month फॉर डोमेस्टिक एंड 3 month फॉर एक्सपोर्ट। तो फिनिश गुड्स का भी ब्रेकअप निकालना है हमें, डोमेस्टिक कितना, एक्सपोर्ट कितना, डोमेस्टिक कितना, एक्सपोर्ट कितना। कैसे कर? तो कॉस्ट देखिए आप, इज इट 270 एंड 60? 2,70,000 किसका कॉस्ट है? रॉ मटेरियल, सॉरी किसका कॉस्ट है? डोमेस्टिक। और 60,000 किसका कॉस्ट है? एक्सपोर्ट। सो एवरीथिंग विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 270 एंड 60, और आई वुड रादर से 27 एंड 6, 27 एंड 6 से भी और थोड़े नीचे चले जाए,
तो 3 2s are 3 9s are, इसको डिवाइड करता हूँ रेशियो में 27:6, इसको भी डिवाइड करते रेशियो में 27:6, 27 फॉर डोमेस्टिक, 6 फॉर एक्सपोर्ट, 27 फॉर डोमेस्टिक, 6 फॉर एक्सपोर्ट, कॉस्ट है ना, कॉस्ट के रेशियो में डिवाइड कर दो। इनफैक्ट 330 का तो कॉस्ट स्प्लिट रेडी है ना अपने पास, 270 and 60, सो 270 किसका कॉस्ट है डोमेस्टिक, और 60 किसका कॉस्ट है एक्सपोर्ट। तो सेम थिंग मटेरियल में भी लगा रहा हूँ, 27 and 6 33 132 डिवाइड बाई 33 into 27, माई आंसर कम्स टू 1,08,000, 1,08,000 डोमेस्टिक का कॉस्ट है, एंड 1,08,000 and 32 24,000 एक्सपोर्ट का कॉस्ट है। जकास क्वेश्चन है ना, ये पूरा कॉस्ट चार्ट पहले तैयार करेंगे फिर हम लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं। नाउ सी द कैलकुलेशंस आई एम डूइंग, प्लीज अभी भी बीच में नहीं लिखना आप। फर्स्ट वन, दे सेड इन द क्वेश्चन रॉ मटेरियल इज टू रिमेन इन स्टॉक फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 1 month फॉर डोमेस्टिक, 2 month फॉर एक्सपोर्ट। सो माई वर्किंग नोट नंबर 1 बेसिकली रॉ मटेरियल डोमेस्टिक इज इक्वल टू रॉ मटेरियल 1,08,000 डोमेस्टिक है, सो 1,08,000 डिवाइडेड बाई 12 इन टू हाउ मेनी मंथ्स फॉर डोमेस्टिक, 1 month फॉर डोमेस्टिक, 1 month, 1,08,000 डिवाइडेड बाई 12 इन टू 1, सो 1,08,000 डिवाइडेड बाई 12 आंसर कम्स टू 9,000। सेकेंड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का रॉ मटेरियल कितना था 24,000, 24,000 डिवाइडेड बाई 12 इन टू हाउ मेनी मंथ ऑफ एक्सपोर्ट, 1 month फॉर डोमेस्टिक एंड 2 months फॉर एक्सपोर्ट, 2, 24,000 डिवाइड बाई 12 इन टू 2 इज 4,000, 9 + 4,000 इज 13,000, रॉ मटेरियल इज 13,000। आर वी क्लियर विद दैट? कंटिन्यूएशन पे रॉ मटेरियल वर्किंग नोट नंबर 1, 13,000 वर्क इन प्रोग्रेस, हैव दिस स्पेसिफाइड एनीथिंग रिगार्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस, कुछ नहीं गाइस, कुछ नहीं, डैश 2 फिनिश गुड्स, वर्किंग नोट नंबर 2 फिनिश गुड्स, फिर से डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का था 270 डिवाइडेड बाई 12 इन टू, 270 था ना, टोटल चेक करो डोमेस्टिक का 270, अच्छा 270 डिवाइड बाई 12 इन टू फिनिश गुड्स, 1 month फॉर डोमेस्टिक अगेन, सो 1 month 270 डिवाइड बाई 12 इन टू 1, 270 डिवाइडेड बाई 12 इन टू 1 आंसर इज 22,500। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इज 60,000 डिवाइडेड बाई 12 इन टू 3 months फॉर एक्सपोर्ट, 60,000 डिवाइडेड बाई 12 इन टू 3 months फॉर एक्सपोर्ट आंसर कम्स टू 15,000, 22,500 प्लस 15,000 आंसर कम्स टू 37,500, वॉट इज 37,500 फिनिश गुड्स का स्टॉक, सो फिनिश गुड्स इज 37,500। चलिए वर्किंग नोट नंबर 2 फिनिश गुड्स 37,500, कॉन्सेप्ट समझ रहे आपको, टू गुड प्लस 13 50,500 क्या मिल गया, 50,500 हम लोग को स्टॉक इन ट्रेड, कॉन्सेप्ट क्लियर है, टू गुड। वर्किंग नोट नंबर 3 डेटर्स, डेटर्स पॉइंट नंबर 1 3 months to domestic customer and 2 months to overseas buyer, and the question has not specified anywhere कि ये सारे calculation cost पे करने, तो debtors को हम किस पे calculate करेंगे, selling price, और note लिखेंगे alternatively debtors can also be calculated at cost, right है ना, बहुत बार कर चुके हम लोग ये, हाँ
वर्किंग नोट नंबर 3, डेटर्स. पहले डोमेस्टिक सेल्स, डोमेस्टिक का सेल्स कितना है? 3,60,000 डिवाइडेड बाय 12 इनटू डोमेस्टिक. हाउ मेनी मंथ्स फॉर डोमेस्टिक कस्टमर? 3 मंथ्स. 360 डिवाइड बाय 12 इनटू 3, आंसर कम्स टू 90,000. एंड नेक्स्ट वन इमीडिएटली एक्सपोर्ट, 2 मंथ्स बोला है और एक्सपोर्ट का सेल कितना है? 72,000. सो 72,000 डिवाइड बाय 12 इनटू 3, इनटू 3 नहीं इनटू 2. सो 72,000 डिवाइड बाय 12 इनटू 2, आंसर कम्स टू 12,000. 90,000 प्लस 12,000 टोटल कम्स टू 1,02,000. क्या मिला 1,02,000 हम लोगों को? डेटर्स. सो डेटर्स आर 1,02,000. एकदम क्लियर जकास? प्रीपेड, वर्किंग नोट नंबर 4. आई गेस उन्होंने क्वेश्चन में कुछ कहा था प्रीपेड के लिए. क्वेश्चन नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 4, पॉइंट नंबर 2, टाइम लैग 1 month विद रिस्पेक्ट टू ऑल एक्सपेंसेस एक्सेप्ट द सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस विच आर पेबल इन क्वार्टरली इन एडवांस. सो वर्किंग नोट नंबर 4, सेल्स प्रमोशन, और आई वुड रादर से पहले प्रीपेड, और प्रीपेड में हम लोग लिखते हैं सेल्स प्रमोशन. Is equal to how much is sales promotion expenses they are talking about? 1,20,000 quarterly in advance. 1,20,000 divided by 12 quarterly in advance 3, answer comes to 30,000. Prepaid expenses are 30,000. 30. Too good. Any cash in bank balance specified? Nahin. Safety margin additional cash balance bola tha 10%, but wo to safety margin mein chala jayega. Can I take a total of all the current assets now? First one, 1,02,000 plus 30,000 plus 50,500, 1,82,500. 1,82,500. Kya mila 1,82,500 hum logo ko? Current assets ka total. Less current liabilities mein sabse pehle creditors. Check karo creditors. कहां पे लिखा है क्रेडिटर्स? पॉइंट 1, टाइम लैग 1 month विद रिस्पेक्ट टू ऑल एक्सपेंसेस, वो टाइम लैग लिखा हुआ है. इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल 1 month, डोमेस्टिक कस्टमर स्पेशल क्रेडिट लिमिट दिया हुआ है. दे आर स्पेसिफिकली नॉट स्पेसिफाइंग एनीथिंग रिगार्डिंग क्रेडिटर्स. हाँ, what are we going to do is we will have to assume point number 2 pe time lag likha hai 1 month with respect to all expenses. So agar time lag likha hai to hum log raw material ka bhi time lag le lete hain, that is 1 month. So creditors assume kar raha hu main. Point number 5, creditors total raw material. The total raw material is 1,32,000. So 132 divided by 12 into 1. Note, it is assumed that time lag also refers to creditors. Chaliye, 132 divided by 12 into 1, answer comes to 11,000. Do you understand this? उन्होंने जो time lag दिया था ना, हम लोग ने अज्यूम कर लिया कि वो टाइम लैग किसको एप्लीकेबल हो रहा है? क्रेडिटर को भी. सो आंसर कम्स टू 11,000. चलिए, क्रेडिटर्स 11,000. वर्किंग नोट नंबर 5. ओके, देन रेस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, वर्किंग नोट नंबर 6. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कौन से एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग? ऑल ना. वेजेस से चालू करें. रॉ मटेरियल का तो 1 month ले लिया हम लोग ने. वेजेस कितना है अभी? 84. मैन्युफैक्चरिंग 114.
एडमिनिस्ट्रेशन 112,84 + 1,14 + 1,20 एडमिन, दिस इज वेजेस, दिस इज मैन्युफैक्चरिंग, दिस इज एडमिन, सेल्स प्रमोशन क्वार्टरली इन एडवांस था, डिवाइड बाई 12 × 1. सो प्लीज 84 + 1,14,000 + 1,20,000 डिवाइडेड बाई 12 × 1, आंसर कम्स टू 26,500. बैक टू द स्टेटमेंट एक बार फिर से, 26,500, वर्किंग नोट नंबर 6. वर्किंग नोट नंबर 7, एंड दैट्स दी क्लास, उसको क्रैक करना बहुत जरूरी था. स्पेशल क्रेडिट लिमिट आर अवेलेबल. स्पेशल क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट लिमिट्स का मतलब बैंक ओडी, क्रेडिट्स मिल रहा है, ओडी कैश क्रेडिट. 90% ऑफ एक्सपोर्ट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड डेटर्स, 90% ऑफ एक्सपोर्ट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड डेटर, बैंक ओडी, वर्किंग नोट नंबर 7. स्पेशल क्रेडिट लिमिट्स ब्रैकेट में बैंक ओडी, कितना परसेंट? 90% ऑफ एक्सपोर्ट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड 90% ऑफ एक्सपोर्ट स्टॉक ऑफ, पढ़ो हाँ एक बार आराम से, 90% ऑफ एक्सपोर्ट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड डेटर. एंड सी दिस नाउ, एक्सपोर्ट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सिर्फ रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट स्टॉक 4,000 एंड डेटर, सिर्फ एक्सपोर्ट का लेना है तुम्हें, सो एक्सपोर्ट का 4,000 एंड एक्सपोर्ट का डेटर 12,000, सो 4,000 प्लस 12,000 उसका 90% इज इक्वल टू 90% ऑफ 4,000 प्लस 12,000. 4,000 प्लस 12,000 इज 16,000 और उसका 90% इज 14,400. 14,400 तुम्हें बैंक ओडी, स्पेशल पैकिंग क्रेडिट लिमिट मिलेगा. क्लियर? मस्त क्वेश्चन है. 14,400. सो वी टेक ऑन द बैंक ओडी एंड दैट इज 14,400. कॉन्सेप्ट जो आ रहा है, प्लस 14,400 प्लस 11,000, आंसर कम्स टू 51,900. 51,900 minus 1,82,500, 1,30,600, and there was a safety margin of 10%, 13,060, 1,30,600, 13,060 add कर दे, 1,43,660 का क्या मिलेगा तुम लोगों को? Working capital estimates. Clear? The most important part was this working note. Take it slow. In fact, अगर आपको कुछ नहीं समझेगा तो एक बार rewind. You have my email IDs all the time. You have my phone numbers all the time. कभी भी doubt आए pick up करके call कर दो guys. अभी clear? चलिए आप copy कीजिए. That was question number 15 for you. Please.
So guys, are we done with question number 15? I'll start with question number 16 with you. Question number 16. Exactly same lines pe thoda bahut jo hum log ne previous question solve kiya usi hisab se. Have a look at that. ABC Limited provides you with the following information with the request to prepare the statement of working capital. The total cost of the product is 10 per unit, of which 50% is accounted for material. Overheads are 2/3 of labor cost per unit. Overheads are 2/3 of labor cost per unit and raw material is 50%. Total cost 10. B. Sales targets annual. Zone A, cost plus 50%, 6 lakh, terms are cash. Zone B, cost plus 25%, 5 lakh, 1 month credit. Zone C, cost plus 20%, 1,92,000, 2 months credit. Other details. Stock of both the raw material and finished goods are to be kept for 2 months while processing takes 1 month. 20% of supplies of material are insured on cash payment. 20% of supplies are taken on advance payment for 15 days. And remaining supplies have to extend 1 month of credit. Time lag in payment of wages and overhead is half a month. Debtors are to be valued at cost. Bank or cash balance is always kept at 10% of net working capital inclusive of cash. Matlab inclusive of cash matlab ye safety margin jaisa concept ho gaya. Anyways, first things first. Total cost of the product is 10 per unit, out of which 50% is accounted by material and overheads are 2/3 cost. But material, labor, overhead per unit mil jayega. But overall kaise milega? इसीलिए सबसे पहले वो ब्रेकअप इन्फॉर्मेशन. फर्स्ट वन, जोन ए कॉस्ट प्लस 50% एंड सेल 6 लाख है. जोन बी, जोन सी, एवरीबडी नीड्स टू हैव अ ब्रेकअप. हैव अ लुक एट द वर्किंग दैट आई एम क्रिएटिंग. ऑफ कोर्स कैलकुलेट तो आफ्टर ऑल हम लोगों को वर्किंग कैपिटल ही करना है, बट कैलकुलेशन जाएगा कैसे. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट है. नाउ द कैलकुलेशन दैट वी हैव टू डू. जोन ए का कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं. वर्किंग नोट्स. जोन A. Okay. Now what is the information they are telling you? First one, cost plus 50 bola aur sales kitna bola unhone 6 lakh. Cost plus profit is equal to sales. 100 plus 50 is equal to 150. That is cost 50% on the cost. So 50 on 100. लास्ट टाइम जो क्वेश्चन कर रहे थे ना वहाँ पे जीपी बोला था, तो जीपी इज ऑलवेज ऑन सेल्स. यहाँ पे उन्होंने जो बोला इट इज़ ऑन कॉस्ट. सो दैट इज 50 ऑन 100. 50 प्लस 100 इज इक्वल टू 150. सेल्स कितना है तुम्हारा? 6 लाख. अगर 150 6 लाख है तो 50 कितना हुआ और 100 कितना हुआ? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग. फर्स्ट वन 6 लाख इंटू 50 divided by 150, I'm getting an answer of 2 lakhs. Cost 4 lakh. 4 lakh plus 2 lakh is equal to 6 lakhs. Clear? Second, zone B, main cost ki information nikalne mein zyada interested hun. See what am I going to do? Huh? Zone B cost plus 25 bola hai. Dimag to chal raha hoga ye aapka mere saath. Cost plus 25, 100 plus 25 is equal to 125. Correct, na? So the calculation goes, first one, the amount is 5 lakh. Sales ka. Cross multiply karo or calculations karo. 4 lakh and 1 lakh is equal to how much? 5 lakhs. Next one, zone C. So we have something that is known as zone C. 100 plus cost plus 20%. 20 is equal to 120.
और उसका सेल्स दिया गया है आपको 1,92,000, 1,92,000, 192 × 20 डिवाइडेड बाय 120, आई एम गेटिंग एन आंसर 32,000, 192 × 32 इज 1,50,000, सो 150 + 32 + 150 + 32 इज 1,92,000. दिस आर द ब्रेकअप्स ऑफ ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट दे हैव गिवन टू अस. नाउ व्हाट एम आई मोर इंटरेस्टेड इन ऑल दिस इज द कैलकुलेशन स्टफ. जो मेरा इंटरेस्ट है कॉस्ट, इसका कॉस्ट 4 लाख, इसका कॉस्ट 4 लाख और इसका कॉस्ट 1,50,000. सो माई टोटल कॉस्ट इज 4 लाख प्लस 4 लाख, 8 लाख प्लस 1,50,000, दैट इज 9,50,000. क्या मिला 9,50,000 आपको कॉस्ट? डू यू अग्री विद दैट वन? 9,60,000, 1,60,000 आ रहा है. ओके, 192 - 32 इज 160 एंड दिस विल बी 9,60,000, दैट इज टोटल कॉस्ट. नाउ व्हाट डज टोटल कॉस्ट इंक्लूड? टोटल कॉस्ट विल इंक्लूड 3 things, रॉ मटेरियल, द लेबर एंड द वेजेस. नाउ दे टोल्ड यू टोटल कॉस्ट वॉज 10, रॉ मटेरियल अकाउंट्स टू 50%, ओवरहेड्स आर 2/3 ऑफ लेबर. रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, टोटल कॉस्ट 9,60,000, 10 per unit इज द टोटल कॉस्ट, 10 per unit. सो हाउ मेनी यूनिट्स आर वी टॉकिंग अबाउट? निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बट यूनिट्स 9,60,000 डिवाइड बाई 10, 96,000. उसका 50% रॉ मटीरियल था, तो रॉ मटीरियल 50% मतलब कहना इसे 5. देन दे सेड ओवरहेड्स आर 2/3 ऑफ लेबर. ओवरहेड्स आर 2/3 ऑफ लेबर. ओवरहेड्स आर 2/3 ऑफ लेबर मतलब यहां पे जो आएगा उसका 2/3 ओवरहेड्स है. व्हाट एम आई सेइंग? लेट द लेबर, 2/3 बोला ना, सो यू कैन अज्यूम एनीथिंग. इन दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल 10 - 5 आना चाहिए. सो इन दोनों का टोटल तो 5 ही होगा. नाउ लेबर प्लस 2/3 ऑफ लेबर इज इक्वल टू 5. सी व्हाट एम आई राइटिंग, चेक दिस आउट. लेबर प्लस 2/3 ऑफ लेबर इज इक्वल टू 5 एंड इस 2/3 ऑफ लेबर इज एक्चुअली नथिंग बट ओवरहेड्स. है कि नहीं पक्का? आई एम सेइंग लेट द लेबर बी 3. सो 2/3 ऑफ लेबर कितना होगा? 2. और इन दोनों का टोटल कितना होगा? 5. सो इन शॉर्ट लेबर 3, ओवरहेड्स 2. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए. एनीवेज 9,60,000 10 है, उसका आधा, तो 9,60,000 का हाफ कर दो भाई. 9,60,000 डिवाइडेड बाय 5, 9,60,000 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कम्स टू 4,80,000 रॉ मटेरियल. परफेक्ट है. 9,60,000 डिवाइड बाय 10 × 3, 9,60,000 डिवाइड बाय 10 × 3, 2,88,000 लेबर, 2,88,000 प्लस 4,80,000 माइनस 9,60,000, 1,92,000 इज ओवरहेड. सो 1,92,000 इज ओवरहेड्स. आर यू क्लियर विद दैट वन? टू गुड. ये नहीं समझा आपको? लेबर प्लस 2/3 ऑफ लेबर. अनदर वे राउंड, फिर से एक बार, दिस इज 2/3. तो मैं क्या बोल रहा हूँ? लेट लेबर बी 3x. एंड वाई 3x? x अज्यूम करोगे उसका 2/3 निकालने में फ्रैक्शन आ जाएगा, सो लेट इट बी 3x. कोई बोलेगा 1/7 है तो लेट इट बी 7x, 1/10 है तो लेट इट बी 10x. नाउ अगर लेबर 3x है तो ओवरहेड्स 2/3 ऑफ 3x इज इक्वल टू 2x, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 1, 3x इज इक्वल टू 3.
अब इससे ज़्यादा सिंपल एक्सप्लेनेशन मैं कोई नहीं दे सकता. वहाँ कॉन्सेप्ट समझा आपको. दिस इज अ ब्रेकअप ऑफ द कॉस्ट इन्फॉर्मेशन. नाउ आई कैन सिंपली स्टार्ट विथ माई वर्किंग. टोटल कॉस्ट मिल गया मुझे, उसका ब्रेकअप्स मिल गया. द कैलकुलेशन स्टफ. फर्स्ट वन, वन मटीरियल. मटीरियल के लिए उन्होंने कहा है स्टॉक ऑफ रॉ मटीरियल एंड फिनिश गुड्स बोट आर केप्ट फॉर 2 months वाइल प्रोसेसिंग टेक्स 1 month. रॉ मटीरियल इज 1-2 months. सो रॉ मटीरियल का कैलकुलेशन. वर्किंग नोट्स फॉर वर्किंग कैपिटल. वन रॉ मटीरियल 4,80,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2 months आई गेस. 480 डिवाइडेड बाई 12 इंटू टू आंसर कम्स टू 80,000. सो रॉ मटीरियल इज 80,000. रॉ मटीरियल वर्किंग नोट नंबर 1 80,000. वर्क इन प्रोग्रेस वर्किंग नोट नंबर 2. व्हाट इज वर्क इन प्रोग्रेस टेलिंग अस? कितना पीरियड बोला उन्होंने? वेल प्रोसेसिंग टेक्स 1 month एंड देन नथिंग एल्स इज स्पेसिफाइड. सो गाइस कैन आई से अपना लॉजिक लगेगा फिर से इस क्वेश्चन में. फुल हाफ हाफ वाला. हैव अ लुक एट दिस कैलकुलेशन. हाँ थोड़ा कट डाउन करके स्पेस बना रहा हूँ बिकॉज वील नीड फॉर कैलकुलेशन. वर्किंग नोट नंबर 2 वर्क इन प्रोग्रेस. ए प्लस बी प्लस सी. ए रॉ मटीरियल 480 डिवाइड बाई 12 इंटू 1. बी लेबर. लेबर इज 288 डिवाइड बाई 12 इंटू 1 इंटू हाफ. सी ओवरहेड्स 1,92,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 1 इंटू हाफ. Raw material goes full, labor goes half, overhead goes half. एकदम clear है concept? Okay. The calculations front now. फिर से एक बार. 480 divide by 12. Answer 40. Labor 288 divide by 12 into 1 into half. 12. 1,92,000 divide by 12 into 0.58 and I'm getting a total of 60. Concept samjha? Sabse main part tha cost structure ko break up karo to apna kaam ho jayega guys. 60. I'm getting work in progress of 60,000. Working note number 3. Finished goods. 3. Finished goods. That is my working note number 3. Now, finished goods. Kitna months bola hai finished goods unhone? I guess they have told you back to 2 months. So, finished goods kis pe calculate karoge aap? Total cost. Total cost is 9,60,000. Finished goods, 9,60,000 divide by 12 into 2. Correct ki nahi? 9,60,000 divided by 12 into 2, I'm getting an answer of 1,60,000. 1,60,000 finished goods. Working note number 3, back to statement. 1,60,000, 240,000, 60,000, 3,00,000. I am getting 3,00,000 for the stock. Concept clear? Too good. Chaliye. Next one. Debtors. Debtors pe unhone likha hai. Debtors कहीं लिखा है debtors are to be calculated at cost. Statement number 4. They said debtors are to be valued at cost. But if you remember, I have got 3 zones. Zone A, Zone B, Zone C जहाँ पे मैंने debtors create किए. तो उसका credit terms. Zone A पे तो हम cash में बेच रहे. Zone B में हम लोग 1 month credit दे रहे. और Zone C में हम लोग 2 months credit दे रहे. Correct ना? Working note number 4. That is debtors. Zone A nil. Zone B
कॉस्ट पे करने को बोला है 4 लाख डिवाइडेड बाय 12 इनटू हाउ मेनी मंथ्स दे आर टॉकिंग अबाउट 1 month. सो बॉस 4 लाख डिवाइड बाय 12 इनटू 1 4 लाख डिवाइडेड बाय 12 इनटू 1 आई एम गेटिंग 33,333 करेक्ट एकदम टू गुड. जोन सी का कॉस्ट 160 सो 160 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 months आई गेस 160 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 सो 1,60,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 months दैट कम्स टू 26,667 26,667 एंड दिस इज 333 गाइस प्लस 33,333 आंसर कम्स टू 60,000 अगेन सो माय डेटर्स आर 60,000 टू गुड 60 वर्किंग नोट नंबर 4 डेटर्स 60 एनी प्रीपेड एक्सपेंसेस प्रीपेड में पॉइंट नंबर 2 क्लासिक 1 20% ऑफ सप्लाई ऑफ मटीरियल आर इंश्योर्ड फॉर कैश पेमेंट मटीरियल 20% को कैश पे कर रहे हैं ये तो क्रेडिटर बनेगा नहीं 20% ऑफ सप्लाईज आर टेकन ऑन एडवांस फॉर 15 डेज यू आर टेकिंग 20% ऑफ सप्लाईज फॉर एन एडवांस ऑफ 15 डेज एंड रिमेनिंग सप्लायर एक्सटेंड्स अ क्रेडिट ऑफ 1 month नाउ रादर देन राइटिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस हियर आई एम राइटिंग द वर्ड एडवांस टू सप्लायर वर्किंग नोट नंबर 5 20% को आप कैश पे कर रहे हो बाकी के 20% को आप 15 डेज का एडवांस पे कर रहे हो सप्लायर मतलब रॉ मटेरियल 4,80,000 सी द कैलकुलेशन 5 एडवांस टू सप्लायर टोटल 480 15 डेज का एडवांस डिवाइड बाय 12 15 डेज का एडवांस इज इट 0.5 एंटायर फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय 20% 4,80,000 टोटल रॉ मटेरियल है डिवाइड बाय 12 15 डेज का एडवांस दे रहे हो उसे और सिर्फ 20% के सप्लायर को एडवांस मिल रहा है ना सो खिस 20% सो 4,80,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 0.5 इंटू 20% आंसर कम्स टू ओनली 4,000 4 एडवांस टू सप्लायर 4 इज इट क्लियर टू गुड कैश इन बैंक स्टेटमेंट नंबर 5 कैश इन बैंक इज ऑलवेज केप्ट 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल इंक्लूसिव ऑफ दैट कैश कैश इन बैंक 10% ऑफ वर्किंग कैपिटल इंक्लूसिव ऑफ दैट कैश अंडरलाइन दैट वर्ड इंक्लूसिव ऑफ कैश अगेन वी हैव स्टडीड दैट वर्ड ना इंक्लूसिव ऑफ कैश गाइस आर यू श्योर विद दैट वन सो प्लीज बी केयरफुल मैं क्या कर रहा हूं यहां पे कैश इन बैंक लिखता ही नहीं वो जो 10% बोल रहे वो सेफ्टी मार्जिन में डाल देंगे बिकॉज यू आर सेइंग इट्स इंक्लूसिव ऑफ कैश सो लेट्स टेक अ टोटल ऑफ करंट असेट्स राइट नाउ 3 लाख प्लस 60 प्लस 4,000 इज 3,64,000 वर्किंग नोट नंबर 6 फॉर क्रेडिटर्स बैक टू द स्टेटमेंट वर्किंग में क्रेडिटर्स भूलना नहीं सी व्हाट एम आई डूइंग 480 divided by 12 20% of suppliers were paid as cash khatam 20% ko advance diya khatam bacha kitna percent 60 aur 60% ne have extended a credit period of 1 month so 60% ke creditors 1 month ka credit de rahe hame 4,20,000 into 12 divide by 12 into 1 month ka credit and only 60% of the suppliers Only 60% of the supplier. 480 divided by 12 into 1 at 60%. 480 divided by 12 into 1 into 60%. I'm getting 24,000 only. Can I write that statement? 24,000. 24,000. Back to the statement. Creditors, 24,000. Ekdam clear. Jakas. Outstanding expenses, working note number 7. Kya likha outstanding expense? Time lag in payment of wages and overhead is 1/2 month.
टाइम लैग वेजेस ओवरहेड्स हाफ अ मंथ. नोट नंबर 7 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. वेजेस एंड ओवरहेड्स दोनों 288 प्लस 192 टोटल ले लूं एक साथ. 288 प्लस 192 480 डिवाइडेड बाय 12 इनटू हाफ अ मंथ डिवाइडेड बाय 12 इनटू हाफ अ मंथ इज 20,000. सो आई हैव गॉट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट 20,000. कॉन्सेप्ट क्लियर? 20,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. टू गुड. बैंक ओडी नॉट स्पेसिफाइड. 24 प्लस 20 344 364 minus 44 320. वर्किंग कैपिटल कैश सेफ्टी मार्जिन कितना परसेंट? कैश कितना परसेंट बोला था? 10% इंक्लूसिव सच कैश. 10% ऑफ दिस अमाउंट पहले भी एक बार क्वेश्चन में कर लिया है. सो अगर ये 10% इस अमाउंट का है तो ये परसेंट कितना है? 90. सिंपल है, अमाउंट को उसके परसेंटेज के साथ डिवाइड कर दो. रेशियो एनालिसिस में भी आपको पढ़ाया मैंने, 3,20,000 को 90 से डिवाइड करोगे तो 100% आएगा. 3,20,000 डिवाइडेड बाई 90% 3,55,556 का 10% 35,556 Jakas, I hope you are understanding. I'm putting a lot of effort to make the solutions and make these videos reach to you. Thank you, everyone.